हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हंग्री ट्रिप 90। और देखो आज क्या लेके आया हूँ। लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हुआ है। पिछले 2 महीने से मैं खुद क्रेविंग्स में ऐसे मरा जा रहा हूँ। बहुत लोग पागल हैं। जोमेटो पे इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा था बरेली का। जी हाँ, बरेली का स्पेशल फेमस स्ट्रीट स्नैक। अब टैगलाइन तो पढ़ी ली होगी, टाइटल तो पढ़ी ली होगा, चाट। हाँ, चाट है बरेली का सिविल लाइंस, जहाँ के चाट बहुत फेमस है अलग अलग शॉप्स की। एक वीडियो मैं पापड़ी चाट की बना चुका हूँ, उसमें किप्स चमन चाट और जो छोटे लाल हैं उनके पापड़ी चाट को कंपेयर किया था। ऐसे ही मुझे पता चला, आज मैंने देखा कि अवेलेबल हैं छोटे लाल, तो मैंने झटपट फटाफट आप लोगों के लिए मंगा ली है चाट। और चाट की वैरायटी मंगाई है, एक सिर्फ आलू चाट नहीं मंगाया है। आज है आलू टिक्की, आज है दही भल्ला, आज है दही सोट के पानीपुरी और सबकी फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड की किंग कहते हैं जैसे, वो है पानी पूरी। जी हाँ, पिछली वीडियो दिल से देसी में मैंने पानी पूरी ट्राई किया था, उसके बाद से मैंने नहीं ट्राई किया। बट बहुत दिनों से लॉकडाउन में, अभी पता है जो बरेली से बाहर जो लोग हैं जहाँ पे ये चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं, उन लोगों को देख के क्रेविंग्स बढ़ने वाली है। आई नो सॉरी, बट मैं अपनी पब्लिक के लिए इतना तो कर सकता हूँ। आज लेके आए हैं वीडियो स्पेशली फॉर द चाट लवर्स, मज़ा आने वाला है। तो उन्होंने जो पैकिंग दी है ऐसे करके दी है, ये गोलगप्पे हैं, इसमें टिक्की है और ये पानी पूरी का पानी है, ये दही है, कुछ मसाले वगैरह भी इन्होंने भेजे हैं। आई डोंट नो कि आलू टिक्की इन्होंने प्रिपेयर करके भेजी है नहीं भेजी है दही, या फिर मुझे खुद बनानी पड़ेगी। अगर खुद बनानी पड़ेगी तो यार टाइम लगेगा। फटाफट ये म्यूज़िक देखो, तब तक मैं आता हूँ यार, ठीक है। बहुत मेहनत करा दी और दही वाला और आलू टिक्की को अभी पोर करने में इतना टाइम लग गया। म्यूज़िक कैसा लगा ही पहले तो ये बताना। तो टेस्ट करते हैं सबसे पहले आलू टिक्की को। मतलब घर आके थोड़ी सौगी तो हो जाती है, बट अब ये है कि वो मिक्स करके देते ड्राई हो जाता, हम अपने हिसाब से उसका बैलेंस कर सकते हैं। हर आइटम जो कोई भी चटनी है, दही है, मसाला है, छोले हैं, सब एक्स्ट्रा दिए हैं। मतलब आपको वहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी उससे ज़्यादा ही दिए कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो। टिक्की अच्छी है, मुझे थोड़ा सा हरी चटनी थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी हरी चटनी, मतलब पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत बहुत ऑसम वाला टेस्ट नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें सिर्फ सौंठ मिलाता तो ज़्यादा बेटर लगती, मुझे ऐसा लग रहा। पापड़ी बहुत अच्छी है, अमेजिंग। और अगर हम दही वाला ट्राई करें तो ये अच्छा है। वही वाली बात हुई, हरी चटनी का इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें हरी चटनी बढ़ी हुई थी, इसमें सौंठ है और दही है। बहुत सही टेस्ट आ रहा है, सौंठ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पापड़ी चाट के जब वीडियो की थी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि इनकी पापड़ी बहुत अच्छी है और सौंठ बहुत अच्छा है। दही वाला बहुत अच्छा है, बहुत ऑसम है, बहुत डिलीशियस है और क्वान्टिटी बहुत अच्छी है यार। प्राइस वगैरह ये सब स्क्रीन पे आता रहेगा, मैं अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टोटल थोड़ा बहुत डिस्काउंट पढ़ के मुझे
113-114 रुपए का पड़ा है। 114 रुपए में मुझे अपनी क्रेविंग शांत करने का मौका मिला है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। इसमें थोड़ी सी सॉल्ट और डालते हैं, फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। लस्सी की अभी टेस्ट कैसा हो रहा है ये देखो, प्लेट ऐसी वही बात है। हरी चटनी से डिसअपॉइंट हूँ मैं, सॉल्ट बहुत ऑसम है, टेस्ट बहुत तगड़ा आ रहा है। तो जो खट्टा मीठा स्वाद वाली चाट खाता है उसके लिए तो घर पे मंगा के, ये यहाँ से स्पेशली इतना अच्छा नहीं है, बट सिंपल सॉल्ट वाली चटनी के साथ खाओ तो बहुत अच्छा है। छोले बहुत अच्छे हैं, अब अच्छा टेस्ट आ रहा है। ऑन एन एवरेज बहुत बढ़िया आइटम है। चाट से ज़्यादा मुझे दही भल्ले ज़्यादा अच्छे लगे। दही भल्ले की अपनी जो क्वालिटी है, स्टफिंग है, वो भी अच्छी है। साइज़ बहुत अच्छा है दही भल्ले का। बरेली वालों जो बेटे देख रहे हो, आप तो जानते ही होगे छोटे लाल को, किस किसने खाए हैं इसके दही भल्ले और आलू चाट, कमेंट सेक्शन में लिखो यार। दोनों आसान, दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है। अब चलते हैं जहाँ आपका मन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सबसे पहले चलेंगे दही वाले गोलगप्पे, एंड में करेंगे वो टिपिकल बेहतरीन वाले, ताकि एंड तक टिको आप लोग। सो दही भल्ले और आलू चाट के बाद, आलू टिक्की के बाद, कुछ लोगों के यहाँ आलू टिक्की और चाट अलग अलग होता है, हमारे यहाँ एक ही बोला जाता है एक तरह से। तो अब बारी है जी हाँ गोलगप्पों की। तो सबसे पहले दही सौंट के खाते हैं, उसके बाद पानी से। टेस्ट अच्छा है क्योंकि इनका दही अच्छा है, इनका सॉल्ट भी अच्छा है। गोलगप्पे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम घर पे ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, तो बट मुझे ऐसा लगता है थोड़े सॉगी हो जाते हैं, उतना क्रिस्पीनेस नहीं रहते जितना होना चाहिए। तो ये तो यार स्ट्रीट पे जाके खाने वाले मज़ा है इसमें, फिर भी कुछ नहीं सिर्फ कुछ सही। एक और खाऊँगा मैं, मसाला निकाल लिया है मैंने, पहले तो बट थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसमें। ये वाला क्रिस्पी था, जो क्रिस्पी हैं वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, जो सॉगी हो गए वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने इस वाले में छोले नहीं डाले थे, बिना छोले के ट्राई करना चाहता था। हाँ बिना छोले के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दही डला है, सौंठ डला है, सिंपल मसाला डला है, नथिंग एल्स। जो वहाँ पे वो अलग से वो क्या होता है, गाजर मूली वगैरह के वजह से सैलड बना के डालते हैं, ऊपर से ड्रेसिंग करते हैं, वो अच्छा लगता है, बट मुझे यहाँ मिस कर रहा हूँ मैं उसको, वो भी देना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो नहीं दिया है। तो आप चलते हैं पानी वाले गोलगप्पे, इसमें तो बस छोले डाल दो। मुझे आलू भी पसंद है, आपको किसको आलू पसंद है, किसी को छोले ज़्यादा पसंद है ये भी बताओ। थोड़ा सा मसाला ऐड कर देता हूँ मैं, भर लिया है ऊपर तक। अच्छा है, स्पाइसी है पानी इसका, काफ़ी स्पाइसी है, थोड़ा टैंगी कम है, थोड़ा सा और टैंगी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब इतने दिनों के बाद मिला है ये गोलगप्पे, तो मैं तो बिल्कुल कोई शिकायत करना नहीं चाहिए पहली बात तो, बट फिर भी मेरा काम ये है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि छोटे लाल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बेटर, बहुत बेटर मैंने खा रखा है। थोड़ा सा गर्म हो चुका है, मतलब नॉर्मल
टेम्परेचर पे, वहाँ पे क्या होता है वो बर्फ़ की स्लिप वगैरह डाल देते हैं तो चिल्ड रहता है, तो उसका वजह से टेस्ट और अच्छा लगता है। तो ये चीज़ नहीं हुई है, अब आया है फ्रेश फ्रेश, फ्रिज में रखा नहीं है, ये आपके सामने शूट कर लिया है। तो अच्छा है, मेरा बहुत दिनों बाद ऐसा खाने का मौका मिला है और आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए मुझे ये सब खाना पड़ा, मेरा भी मन था। द बेस्ट थिंग मुझे जो लगी वो दही वाला था फर्स्ट पार्ट पे, उसके बाद दही पूड़ी इसकी सेकंड नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे ये पानी वाले गोलगप्पे जो पानी गोरी है बेसिक वह लगी, सबसे लास्ट में मैं टिक्की को रखूँगा। टिक्की तो मतलब इतनी मतलब वो खानी नहीं चाहिए यार, ऑर्डर करके सच में नहीं खानी चाहिए, मेरी गलती हुई मैंने ऑर्डर कराऊँ। ये तो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट पे वहीं बने वहीं गरम गरम खाया जाए वो क्रिस्पीनेस तभी मज़ा है, घर आके मज़ा नहीं है इस चीज़ का। और कमेंट करो और क्या क्या दिखाया जा सकता है बरेली में, यार छोले भटूरे वगैरह ये सब चीज़ के मेरे पास रिक्वेस्ट तो आ रही है, बट यार मुझे ऐसा लग रहा है छोले भटूरे तो यार वहीं जाके खाने चाहिए यार, वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, सौगी इतना सौगी हो जाता है भटूरा, जो क्रिस्पनेस होती है उसकी पैक होके आने में वो तो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो आप बताओ आपको जो ये सौगी हो चुके जो छोले भटूरे हैं या फ्लैट अगर हो जाए तो ऐसी वीडियो आप देखना पसंद करोगे या नहीं पसंद करोगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। और ये लॉकडाउन ख़त्म हुए तब आ जाना बरेली, साथ मिलके घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये ऑनलाइन मिल रहा है बरेली वालों, अपना ऑर्डर करो, मेजरमेंट लगाओ।